पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से ठीक पहले भारत को एक साथ मिली तीन तीन बहुत ही बड़ी खुशखबरी। यह खुशखबरी सुन टीम पाकिस्तान के छूटे पसीने। जी हां दोस्तों, आखिरकार टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मुकाबले से ठीक पहले भारतीय टीम के लिए आई है कौन सी तीन तीन बड़ी खुशखबरी, जिसे सुनने के बाद छूट गए पाकिस्तान टीम के भी पसीने। बताएंगे उन बड़ी खुशखबरियों के बारे में आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी हैं टीम इंडिया के फैन और चाहते हैं कि टीम इंडिया पाकिस्तान को इस मुकाबले में हरा दे, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एशिया कप 2023 में अब टीम इंडिया का अगला मुकाबला पाकिस्तान के साथ है। आपको बता दें कि यह मुकाबला सुपर फोर का तीसरा मुकाबला होगा। सुपर फोर में भारत और पाकिस्तान के बीच इस मुकाबले में जंग हमें रविवार 10 सितंबर को होते हुए नजर आएगी, जब टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी। आपको बता दें कि यह मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है और इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया ने अपनी कमर भी कस ली है। आपको बता दें कि इस मुकाबले से पहले भारतीय खेमे के लिए तीन बड़ी खुशखबरियां निकलकर सामने आई है और इन खुशखबरियों को सुनने के बाद पाकिस्तानी खेमे में भी हलचल मच गई है। बात करें अगर पहली बड़ी खुशखबरी के बारे में, तो वो केएल राहुल को लेकर सामने आई है। केएल राहुल पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के लिए श्रीलंका पहुंच गए हैं और प्रैक्टिस मुकाबले में उन्होंने चौको छक्को की बारिश भी की है। केएल राहुल का फॉर्म भारत के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। बात करें अगर दूसरी बड़ी खुशखबरी के बारे में, तो वह वेदर रिपोर्ट को लेकर सामने आई है। दरअसल कोलंबो में लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन भारत पाकिस्तान मुकाबले के दिन मौसम साफ रहने वाला है और फैंस को भारत पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाला मुकाबला पूरा देखने को मिलेगा। बात करें अगर तीसरी बड़ी खुशखबरी के बारे में, तो वो जसप्रीत बुमराह को लेकर सामने आई है। भारत पाकिस्तान मुकाबले के लिए जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया से जुड़ चुके हैं और भारत पाकिस्तान मुकाबले में वो खतरनाक गेंदबाजी करते हुए भी नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये थी वो तीन बड़ी खुशखबरी जो भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले टीम इंडिया के खेमे के लिए आई है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।